बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, जो कॉमन फ्रैक्शंस हैं उनकी डिवीजन कैसे और किस टेक्निक से होगी कि नेक्स्ट नंबर जो है जीरो ना हो। क्या है, डिवाइड ए रैशनल नंबर बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर। अब इसकी डिवीजन का सिलसिला कैसे होगा इसको हम स्टडी करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 45/46, डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में। प्रीवियस क्लास में भी हमने ये स्टडी किया, उससे पहले भी ये चीज हम स्टडी करते आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स की डिवीजन में क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। तो डिवाइड के साइन के बाद जो वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन के मेथड में हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जिस टेक्निक से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी स्टडी की थी। क्रॉस में अगर कोई वैल्यू किसी कॉमन टेबल में कट रही है तो उसको काट देंगे। 9 × 9, 9 × 5 = 45, 23 × 23, 23 × 2 = 46। क्या रिजल्ट आया, 5/2 × 1/1। मजीद अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही होती आपस में तो न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। न्यूमिरेटर रैंक से ऊपर के नंबर्स और डिनोमिनेटर रैंक से नीचे के नंबर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जो कि एज अ होमवर्क है आपके पास। पार्ट 2 पे आ जाएंगे। −21/17 / −63/51। याद रखिएगा यहाँ पे दो चीजें मैं आपको वाजे करता चलूं कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में और डिवीजन के क्वेश्चन में अगर माइनस के साइन इवन टाइम आएंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, अगर माइनस के साइन ऑड टाइम्स आएंगे मतलब 1 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम तो आपके पास रिजल्ट माइनस में आएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, वही पुरानी टेक्निक है, डिवाइड का साइन है किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई का कन्वर्ट होगा, डिवाइड के साइन के बाद की वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। −21/17, डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो गया। जो डिवाइड के साइन के बाद की वैल्यूज है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 51/-63। अब देखें क्रॉस में कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है तो काट देंगे उसको। 17 × 17, 17 × 3 = 51। माइनस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो गया। 21 × 21, 21 × 3 = 63। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 1/1 × 3/3। मजीद कोई वैल्यू क्रॉस में कैंसिल आउट नहीं हो रही लेकिन ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होगी। 3 × 3, 1/1 × 1 × 1 हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 3 है और पार्ट 4 है ये आपके पास एज अ होमवर्क है। पार्ट 3 में भी यही प्रोसेस है, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के साइन में, डिवाइड के साइन के बाद जो वैल्यूज लिखी है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। क्रॉस में अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है अदरवाइज न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पार्ट 4 में भी सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस क्लास में भी हमने ये दोनों चीजें स्टडी की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या रिजल्ट आता है, एडिटिव इनवर्स में क्या रिजल्ट आता है। किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिमेनिंग आंसर 1 आ जाता है। और एडिटिव इनवर्स में किसी भी नंबर को ऐड करें उस नंबर में गिवन नंबर में तो आपके पास रिजल्ट 0 आ जाता है। एडिटिव इनवर्स में गिवन नंबर में रिजल्ट ऐड करने से 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गिवन वैल्यू के साथ रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। अब ये देखिए दोनों सूत्रों में क्या होता है, किसी भी नंबर को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में
वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिमेनिंग आंसर आपके पास 1 रहेगा। अब 2 ओवर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने स्टडी किया, इसको इंटरचेंज कर देंगे 5 ओवर 2। अगर 2 ओवर 5 को 5 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 2 ओवर 5 का एडिटिव इनवर्स, अभी 2 ओवर 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करें तो रिजल्ट 0 आ जाए, 2 ओवर 5 सेम वैल्यू जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, ऑपोजिट वैल्यू इसके लिख देंगे, क्या बन जाएगा माइनस 2 ओवर 5। माइनस 2 ओवर 5 2 ओवर 5 में ऐड करें तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है 0। 2 ओवर 5 और माइनस 2 ओवर 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास कोई चीज नहीं बचेगी तो क्या आंसर आ जाएगा 0। दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं, दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। क्या टेक्निक है, गिवन नंबर को इंटरचेंज करके लिखते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, और गिवन नंबर का साइन चेंज करके लिखते हैं, क्या साइन चेंज करके लिखते हैं, अगर प्लस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ वही नंबर लिख दें उसका एडिटिव इनवर्स, अगर माइनस का साइन है तो प्लस के साइन के साथ उसको लिख दें तो उसका क्या बन जाएगा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। पार्ट 2 पे आ जाते हैं, 3 कंपाउंड 3 ओवर 2। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है कंपाउंड फ्रैक्शन में गिवन है उसके कंपाउंड फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, उसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हुई है, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। उसको चेंज कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 में 3 ऐड करेंगे, 9 9 ओवर 2 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं। 9 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि वैल्यूज को इंटरचेंज करके लिख देंगे और क्या बन जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अगर 9 ओवर 2 को 2 ओवर 9 से मल्टीप्लाई करें रिमेनिंग आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या है, गिवन वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करना है, अगर प्लस के साइन के साथ है तो माइनस के साइन के साथ लिख देंगे उसको, वैल्यू सेम रहेगी सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। पार्ट 3 21 ओवर 32 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है एज अ होमवर्क है आपके पास। पार्ट 4 -8 ओवर 7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, साइन वही रहेगा माइनस का, सिर्फ वैल्यूज क्या होंगी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी 7 ओवर 8। ये क्या आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ क्या करना है हमने साइन चेंज करना है, यहां माइनस का साइन है तो एडिटिव इनवर्स में वैल्यू वही रहेगी किस साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ, प्लस का साइन हम यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। थैंक यू।